और गर्मी बहुत थी, फिर भी हम इतनी दूर गए और बोर्ड डालकर आ गए वापस। तो हमारी सवारी रेडी है, हम जाएंगे बाइक से। दोस्तों, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, ठीक है? स्पाइडरमैन प्रूफ है कोई उसका? मैंने दाल खाई यार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी तबीयत कल से ख़राब है, तो थोड़ा सा आवाज़ में भी आपको फ़र्क लग रहा होगा। फूड पॉइजन हो गई थी, हम लोग पार्टी में गए थे और मेरी जो है जो हमारी जो बोलते हैं हिंदी में पित्त थैली बोलते हैं और इंग्लिश में कॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसका हमारा ऑपरेशन हो चुका है। तो मुझे डाइजेशन नहीं हो पाती हैं चीज़ें इतनी जल्दी, और गर्मी का मौसम चल रहा है तो मेरे को फूड पॉइजन हो गई थी। अभी भी मुझे असर है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अभी बस मैं घर का काम, डेली का अपना काम करके फ्री हुई हूँ। बस खाना रह गया है, तो जब खाएंगे हम खाना बनाएंगे। बच्चे भी अपना नहा धो के तैयार है, खाना रास्ता कर चुके हैं अपना, और अपना ड्राइंग वगैरह करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको मेरे आने जो दिन आने वाले हैं आगे, तो उन दिनों में आगे के जो ब्लॉग्स आएंगे उनमें आपको कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा देखने को हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग हमारी YouTube फैमिली हो और आपको तो बताना हमारा मतलब फ़र्ज़ होता है कि हम आपको अपडेट करते रहें अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से। तो हमारा जो है, हम मैं और मेरे हस्बैंड तीन दोनों मतलब 3-4 महीने से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, और फाइनली वो दिन आ चुका है। तो वो क्या है और क्या हम आपको दिखाने वाले हैं और क्या सरप्राइज़ है, ये देखने के लिए आप हमारे लिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग्स पे बने रहिए, क्योंकि वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता लगेगा और हमारी ब्लॉग्स आगे और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। आपको आपके लिए आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और वो हमारी लाइफ का थोड़ा सा छोटा सा ड्रीम था जो हम पूरा करना चाह रहे थे, नया एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे। तो वो क्या रहेगा, तो वो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, जब भी आगे वाले ब्लॉगों पर पता लगेगा। तो बने रहें हमारे साथ और एंजॉय करें हमारा ब्लॉग, और कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, हम थोड़े से मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि चलो और बनाया जाए और हमारी मेहनत सफल हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आपका प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। खेत में मूंग में दोबारा स्प्रे होनी है आज, तो मैं वहीं लगवाने जा रहा हूँ। पहले एक हफ्ते पहले लगवाई थी, आज दोबारा टाइम आ गया। तो मैं और ये जा रहे हैं वोट डालने के लिए गाँव, क्योंकि आज मतदान है और आप भी वोट डालिएगा। तो हम वोट डालने जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि गांव यहां से हमारा 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम जा रहे हैं अपने गांव, हमारी सवारी रेडी है, हम जाएंगे बाइक से। तो ये आ गए हम अपने गांव। तो हम आ गए घर अपना वोट डालकर। आपने डाला कि नहीं बताइएगा कमेंट में। और गर्मी बहुत थी, फिर भी हम इतनी दूर गए और वोट डालकर आ गए वापस, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इसको हम नहीं खो सकते। दोस्तों, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन सरकार बदल जाए ये गलत फहमी ना पालना। यस। पापा चेता ताला ताम हैं आरे ताला चेता ताला आप से तू बोट मम्मतियाल ताला ओ पापा बुत बोल चेला तुम दोनों ताम तल्लो सीधे मम्मा दिताओ ताली मेरे लिए मामा ये तो दो तो मम्मा भी ताम तली और ये है हमारा स्टोर रूम। तो आज हमने इस स्टोर रूम की और घर की डस्टिंग करी है। ये देखिए अब फिर से क्लीन हो गया एकदम से।
इस रूम की डस्टिंग आज बच्चों ने की है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई। बच्चे नहा चुके हैं तो अपने आप तैयार भी हो चुके हैं, बस नाश्ता का वेट कर रहे हैं। पापा नहाने गए हैं, मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी और डस्टिंग हमारी चालू है अभी। तो सुबह हो चुकी है, हम पी रहे हैं चाय सुबह की। बच्चे सो के उठे हैं, आविश का ड्राइंग कलेक्शन देखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो ये आविश का ड्राइंग कलेक्शन, ठीक है। हाँ भी तो था तुम्हारा ड्राइंग है, स्पाइडरमैन कर रहा है ड्राइंग कंपटीशन की। मैं आपको बता दूं, ईटीवी का जो चैनल आता है टीवी पर, उसमें एक कंपटीशन की लिए इन्फॉर्मेशन आई थी, तो उसकी तैयारी कर रहा है। इसने बनाया है लेकिन A4 साइज शीट पर बना दिया। मैं इससे यही कह रहा हूँ कि A4 साइज शीट पर ना बनाकर ड्राइंग शीट पर ये बनाए, तो फिर से तैयारी उस पर कर रहा है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो बन जाएगा, जब आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिस करें कि देख रहा था बना के, तो वर्कशीट के पीछे ही बना डाला पेपर। तो बेटा इसमें नहीं बनाना था तेरे को? बनाया तो अच्छा है, ये कार्टून से रिलेटेड है कुछ, उस नाटक में आता है वो जो सीरियल चल रहा है उनका। ये देखते रहते हैं टीवी, इसमें ये टावर है, इसमें इसी को देख के बनाया इसने। अब देखते हैं, फर्स्ट प्राइज तो वैसे 1,00,000 रुपीज है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा तो बाद में पता लगेगा, लेकिन तो बस कंपटीशन हिस्सा लेने के पर्पस से बनाया है। बन गई पेंटिंग, बन गई। क्या बना रहे हैं? ये फूल का कार्टून बना रहे हैं यार, एक साइड से। आप क्या कर रहे हो बेटा? तुम भी ड्राइंग कर रहे हो? ये कलर कर रहे हो, तुम बना रहे हो इसको? क्या है बेटा? ये ड्राइंग है, क्या एमवी का फोन है। ये बच्चे अपना आप लगे हुए हैं ड्राइंग करने में, ये लगे रहते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में। तो आरविश आप क्या बना रहे हो अभी? अभी तो आपने कुछ बनाया था करेक्टर, अब क्या बनाया है? ये व्हाट इज दिस आरविश? एमओई वा फैमिली। व्हाट? ये एमओई वा एक वायरस है। और वर्णित क्या कर रहा है? अच्छा ड्राइंग कर रहा है। और ये कहीं जा रहे हैं? ओके चलो मिलते हैं इनसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये कहीं जा रहे हैं और हम अपना ये मुझे टैबलेट दे के गए, जो मेरी तबीयत ख़राब है, उसलिए रात को सोने के बाद उठने के बाद मैं इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, दो दो गोली खाऊं पर भी मैं खा लूं, क्योंकि मेरे चेहरे से आपको पता लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन हम लोग एक हाउस वाइफ है या माँ है या जो भी कह सकते हैं आप, पहले मैं टीचिंग भी करती थी तब भी ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन हम लोगों को अपनी तबीयत साइड में रखे अपना काम कैरी ऑन करना पड़ता है, नहीं हम अपनी तबीयत को बीच में ला सकते, बच्चों के लिए या फैमिली के लिए हमें करना पड़ता है ना। तो आप भी सब लोग करते होंगे अपनी तबीयत को इग्नोर करके घर का काम, तो हम भी करते हैं वही। बस अब मैं कपड़े वपड़े धो के सुखाऊंगी और अपना काम में लग जाएंगे। क्या बनाया है आज ये? मूंग की दाल। तुम ही खाना इस मूंग की दाल को? क्यों? पसंद नहीं है मुझे। पिकल्स 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 से खा लूँगा मैं। मुझे नहीं खाना भाई, जा रहा हूँ हाइड्रिल कॉलोनी। मैंने एक मीटर अपना जो कनेक्शन है बिजली का वो कटवाया था, उसकी PED होनी थी, तो उसका जो फाइनल जो रिपोर्ट होती है वो लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा फाइनल विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन था वो कट जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने इलेक्शन की वजह से दिया नहीं था। आप जानते ही हैं सरकारी डिपार्टमेंट है, कितना टाइम लगता है उसमें, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। ये खा रहे हैं भैया मरीजों वाला खाना, मसूर की मूंग की दाल खा रहे हैं ये।
और बच्चे लोग ये खा रहे हैं खाना, और मैंने खाई है अचार वाली मिर्च से रोटी। प्रूफ क्या है उसका? उसका प्रूफ 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 दो प्रूफ। प्रूफ है कोई उसका? मैंने दाल खाई आज। हाँ, है ना? क्या है दाल का जीरा तुम्हारे ये दांतों में फंस रहा है? नहीं देख लो।